जब भी आप त्योहारों पर या नई साल के मौके पर कभी भी आप जब शहर में निकलते हैं गाड़ी लेके तो अक्सर आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, लेकिन आगरा पुलिस ने एक बेहतरीन एक प्लान तैयार किया है और अब इस प्लान में गूगल मैप और मैपल्स का इस्तेमाल किया गया, यानी कि भरपूर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। गूगल मैप के ज़रिए आप चौराहों के ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा, उसे खोला जाएगा। किस तरह से पूरा सिस्टम काम करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अरीब अहमद जी हैं, ACP ट्रैफिक। सर, क्या लगता है टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है और पहली बार गूगल मैप के ज़रिए ट्रैफिक खोला जाएगा, क्या है ये पूरा सिस्टम, कैसे काम करेगा? देखिए, गूगल ट्रैफिक और मैपल्स ऐप ये सैटेलाइट के माध्यम से ये चिन्हित करते हैं कि किन जगह ट्रैफिक स्लो चल रहा है या ट्रैफिक फास्ट चल रहा है। इनको हम अपने कंट्रोल रूम में प्रदर्शित करते हैं। कंट्रोल रूम में उपस्थित हमारे कर्मी इस मैप के माध्यम से ट्रैफिक की स्थिति पता लगाते हैं, फिर स्मार्ट सिटी के कैमरों के माध्यम से एक्चुअल स्थिति जाँचते हैं, फिर वायरलेस सेट के माध्यम से वहाँ ड्यूटीरत कर्मियों को निर्देशित करते हैं कि ट्रैफिक का संचालन किया जाए या ट्रैफिक लाइट्स को कैसे ऑन या ऑफ किया जाए, ब्लिंक कराया जाए, ये सब की भी यहाँ से ही सूचना हम वहाँ पे देते हैं। जैसा हम ट्रैफिक देख भी रहे हैं, ये डिस्प्लेस पे है और कंट्रोल रूम में भी है, तो ये इस चौराहे की थोड़ा हकीकत बताइए कि कैसे काम करेगा, ये कौन सा चौराया है और ये क्या हम मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ से? देखिए, इधर देख सकते हैं आप, ये बिजलीघर चौराहे का CCTV कैमरा अभी खुला हुआ है और बिजलीघर चौराहा मैप में भी प्रदर्शित हो रहा है। जहाँ कहीं भी गाड़ियों की लाइन होती है तो वो मैप में रेड प्रदर्शित होता है, वो जो रेड प्रदर्शित होता है तो हम यहाँ कैमरा खोल कर आपको बताते हैं कि जो वहाँ ड्यूटीरत कर्मी उन्हें बताया जाता है कि जैसे वहाँ पे गाड़ियों की लाइन लग रही है या ऑटो ई रिक्शा वहाँ घेर के खड़े हुए हैं या बसें खड़ी हो गई जिनके कारण पीछे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, तो वो ड्यूटीरत कर्मी वायरलेस सेट के सूचना पर जाते हैं वहाँ पर और उस जाम को क्लियर कराते हैं। और इसे आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो जैसे हम अक्सर गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर जब हम मैप में देखते हैं तो रेड लाइन नजर आती है, तो क्या उस रेड लाइन को आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं? जी, कैसे मॉनिटर उसे किया जाता है? जी, वहाँ की जो गूगल ट्रैफिक पे दिखाई हुई रेड लाइन को हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। जैसे हम निर्देशित करते हैं ड्यूटीरत कर्मियों को, वो जाते हैं वहाँ पे अगर गाड़ियों की लाइन लग रही है जिसके कारण वो रेड प्रदर्शित हो रहा है तो उसको क्लियर कराया जाता है। उसके क्लियर कराने के कारण वो लाइन पहले येलो और फिर ग्रीन हो जाती है। मुझे ये भी बताया गया है कि ट्रैफिक कर्मियों पर वहाँ से लाइव मॉनिटरिंग यहाँ से की जा सकती है, तो अब जो ड्यूटी पर काम करने वाले जो कर्मी उन पर भी अब ट्रैफिक रूम से यहाँ से पैनी नज़र रखी जाएगी? जी, यहाँ के माध्यम से हम दोनों शिफ्टों में काम कर रहे ट्रैफिक कर्मियों की हाजिरी लेते हैं, उनकी अटेंडेंस लगाते हैं, साथ ही उनकी कार्यशैली कैसी है इसको भी अब यहाँ से मॉनिटर करते हैं। अगर कोई किसी की कार्यशैली पे कमी आती है तो उनकी रिपोर्ट भी प्रेषित की जाती है। देखिए, पुलिस लाइन में पहली बार ऐसा कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें अब गूगल मैपिंग के जरिए ट्रैफिक को, शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। तो अगर आप चौराहों पर निकल रहे हैं तो आप गूगल मैप के जरिए पहले से ही देख सकते हैं कि किस जगह पर चौराहा पर ट्रैफिक ज़्यादा है या जहाँ कंज्यूम हो रहा है यहाँ पर, और उसी ट्रैफिक को इन्हीं डिस्प्ले के जरिए मॉनिटर किया जाता है। ये पूरा कंट्रोल रूम है, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इसे कंट्रोल किया जा रहा है और आने वाले समय में जो ट्रैफिक कम करने की जो चुनौतियाँ हैं उन पर भी और काम किया जाना बाकी है। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।